हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। आइए कुछ क्वेश्चंस करें। काफी कुछ कर लिया, आज भी बहुत कुछ करेंगे। भाई जरा सोच समझ के करना। पहला भी नहीं समझ में आ रहा है, दूसरा तो पता नहीं क्या होगा, तीसरा एक थर्ड पॉइंट ऐसा है जो डायरेक्टली किया जा सकता है आप सबसे। पॉइंट नंबर 3, दैट इज डायरेक्ट। आई थिंक ओनली दैट पॉइंट इज डायरेक्ट। ओके, यस। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कहाँ पहुंचे भाई, कुछ बताओ। कुछ नहीं, कोई पॉइंट में कुछ करने को तैयार नहीं है आप लोग। मतलब आपको सिलेबस करा दो, बस उसी में खुश हैं आप। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में यू हैव टू डू नथिंग विद सिलेबस। जैसे थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, डिफरेंशिएबल आएगा ही नहीं। एवरीवन आइज ऑन द बोर्ड प्लीज, प्लीज स्टॉप राइटिंग। हम बहुत कर लिया, सिलेबस का भूत पहले दिमाग से उतारिए, तब जाके कुछ होगा। डिफरेंशिएबिलिटी एट जीरो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एफ एक्स माइनस एफ जीरो डिवाइड बाई एक्स माइनस जीरो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। हाँ जी, जरा साथ दीजिए आप सभी लोग। जीरो पे जीरो दिए ही है, एक्स एक्स कैंसिल, सो वी एंड अप विद एक्स क्यूब, यानी लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। पहला एक्सप्रेशन बनेगा 2x³ और अगला एक्सप्रेशन बनेगा आपका। हाँ जी, ये आपके सामने लिमिट अलग से लगा देता हूँ। एज एक्स टेंस टू जीरो दिस टेंस टू जीरो एंड ये जीरो वो बाउंडेड। समझ गए ना आप लोग, क्या आएगा आपका, जीरो आएगा भाई। जीरो पे तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो एफ एस डिफरेंशिएबल। चलिए नाक कटने से बच गई। चार पॉइंट्स तो, चार में से एक पॉइंट तो कर लिया आपने। ये कितने लोगों ने कर लिया है, तो कर ही लेते यार। बाकी सब कुछ भी डायरेक्ट नहीं है। देखिए ये कुछ चीजें तो शक्ल देख के पता लग जाएंगी। मोनोटॉनिक, लुक एट द फंक्शन। वेल यू कैन, एनी बडी कैन ऑब्जर्व फंक्शन में साइन 1/x प्रेजेंट है एंड हाइट ऑफ नॉन मोनोटोनिसिटी। यू नो क्या होता है इसका, तो पूरा फंक्शन कहाँ से मोनोटोनिक हो जाएगा। लिमिट कॉन्टिन्यूटी अलग चीज होती है भाई, एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके लिमिट एग्जिस्ट कर जाता है, बट मोनोटोनिक थोड़ा ना हो पाएगा। साइन 1/x है ना, दैट इज नॉट मोनोटोनिक। ऐसा नहीं कि एक ही पॉइंट पे पूरा बहुत खराब हो जाता है जीरो के आसपास। सो ये ऑब्वियसली ये ट्रू है, इसको प्रूव नहीं करने की जरूरत।
अब आपका पहला पॉइंट फंसा हुआ है और चौथा फंसा हुआ है। फोर्थ देखते हैं। यस, ये 2x4 है और ये 2x4 है, 2x4 है, फोर्थ पॉइंट हो रहा है यहाँ पे। आंखें खोल के रखो, सॉरी नॉन मोनोटोनिक नहीं है ना, वो तो बात ही कर रखे हैं उसकी। हम फोर्थ पे आते हैं। चौथा पॉइंट, एफ एक्स होगा आपका ग्रेटर देन 2x4 प्लस x³ फॉर ऑल x पॉजिटिव। दिस इज इफ एंड ओनली, एफ एक्स का मतलब वो जो सामने लिखा हुआ है, x⁴ 2 + sin। भाई आज से देख लीजिए, जो जो आपने किया हुआ है सब आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा। इससे बढ़िया लॉजिक तो हो ही नहीं सकता कि चलते चलते सही जगह पे पहुंच गए। दिस इज इफ एंड ओनली, 2x4 से 2x4 कैंसिल, हमें पता नहीं है ना आगे क्या होगा, जो उन्होंने बोले उसके साथ चलते। इज ग्रेटर देन 2x4 प्लस x³। x4 से x4 साफ, सो दिस इज इफ एंड ओनली, x⁴ sin⁻/x इज ग्रेटर देन x⁴। जी, बिकॉज इसने x पॉजिटिव बोली दी है, एक्स पॉजिटिव बोल दिया तो नॉन जीरो, पहली बात नॉन जीरो है और पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो x³ से डिवाइड कर दीजिए, बताइए क्या मिलेगा। बोलो बाबा, x sin 1/x का ग्राफ आप सबके नोटबुक में बनाई होगा। अब वो ग्राफ देख के बताओ, क्या वो ग्राफ की हाइट हमेशा 1 से ज्यादा रहती है? अरे जाओ, ऐसे थोड़े ना था। पॉजिटिव साइड में फिर x sin 1/x का ग्राफ अगर आपको याद है तो ऐसे बनता है, सैंडविच हो जाता है इनके बीच में, तो इसकी हाइट तो कम होती जा रही है 1 से, अब 1 से ज्यादा बता रहे हैं। यस, दिस इज फॉल्स और ट्रू? क्या है ये, ट्रू है? हे भगवान, सो दिस इज फॉल्स, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, और कुछ नहीं कर सकते भाई, जो उन्होंने बोला उसको पकड़ लिया आपने, आ गया, हमें भी नहीं पता था। तो आपके 3 पॉइंट्स हो गए, पहले पे आते हैं, जल्दी हाथ चलो, ऑल ऑफ यू। x sin 1/x, it goes like this, 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 and इसका ग्राफ 1 से ज्यादा नहीं होता है, 1 से कम होता जा रहा है और कम होता जा रहा है, पॉजिटिव साइड में हाइट इसकी 1 से कम होती जा रही है। डन? यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, किसी चीज का तो जवाब दिया नहीं आप लोगों ने, हो गया, नोट कर लिया आप लोगों ने। अब आते हैं हम पहले वाले पॉइंट पे। जाहिर सी बात है, अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने, क्योंकि सबसे ऊपर लिखा है तो पहले तो यही आपने ट्राई किया होगा, लेकिन वो मैक्सिमम मिनिमा को समझ में नहीं आ रहा। आप चले डेरिवेटिव निकालने, अपना डेरिवेटिव अपने पास रखिए और जरा साथ दीजिए, आप ही से बोला जा रहा है, साथ दीजिए। एफ एक्स इज x⁴ मल्टीप्लाइड विद 2 + sin 1/x, ये तो धड़कने बढ़ाने वाली चीज है जी। x का पावर 4 तो नेगेटिव होने से, ये भी तो नेगेटिव नहीं होगा, कहाँ हो भाई, जागो जरा, 12वीं क्लास याद कीजिए, साइन हमेशा किस किस के बीच में लाई करते हैं, बोल भी दो। यहाँ पे 2 ऐड किया आपने, यहाँ 2 ऐड किया, यहाँ 2 ऐड किया, रो लीजिए थोड़ा सा, 1 < 2 + अब चाहे थीटा की जगह अपना नाम लिख दीजिए, आप समझ गए मेरी बात। हाँ जी, ये जो क्वांटिटी है, दिस क्वांटिटी ऑलवेज लाई बिटवीन, ये जो क्वांटिटी है, दिस क्वांटिटी ऑलवेज लाई बिटवीन 1 और 3, दैट मीन्स दिस क्वांटिटी, ये जो क्वांटिटी है भाई, ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो पक्का, और नॉन जीरो तो ये भी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो होगा, यानी ये पूरा का पूरा फंक्शन जो दिया गया है वो आपको रुलाने के लिए दिया गया है, तो ये ऐसा है। बोलो जल्दी, ऐसे ही है ना? अगर प्रैक्टिकली नहीं पता हमें ग्राफ कैसे बनेगा, लेकिन इतना तो समझ में आ रहा है क्या? देखिए, 0 पे 0 दे दिया उसने, अब जो बाकी जगह ग्राफ बनेगा वो ऊपर ही बनेगा, किस पॉइंट पे आएगा, मिनिमा आएगा तो 0 पे ही आएगा यार, और क्या आएगा, बस ये देख लीजिए 0 आ रहे हैं नहीं, आ तो रहे हैं बिना कुछ किए, क्वेश्चन हो गया, बट दिस ऑब्वियसली अटेन हो रहा है भाई, मिनिमम ग्राफ आपका अबव एक्स एक्सिस है और 0 पे 0, नीचे तो जाएगा ही नहीं ग्राफ, तो मिनिमा किस पॉइंट पे आएगा, अटेन हो रहा है नहीं? देखिए, मिनिमा 0 पे, ठीक है, अटेन हो रहा है, एक पॉइंट पे आ गए ना 0, जा तो क्या, बिल्कुल आ गए। यस, रेडी फॉर नेक्स्ट? घर पे बैठ के बिना देखे करेंगे, ऐसे क्वेश्चन जल्दबाजी में नहीं होते, वैसे हो ही नहीं सकते, चाहे कितना ही तैयारी क्यों ना की हो।
ऑनलाइन स्टूडेंट्स पहले आप लोग ट्राई करेंगे देन सॉल्यूशन तो आपको मिल ही जाना है। देखो भाई जब ये चीजें तो आपको देखनी है, एक बार आपको बताया गया था जब एफ एक्स के साथ आपका एफ डेरिवेटिव एक्स हो तो किस तरह के फंक्शन आपको काम आते हैं, फिर ये भी बताया हुआ है एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, तो चार तरह के फंक्शन ये आपके दिमाग को नोटिस करना पड़ेगा एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स एफ वाई और क्या यस एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स एफ वाई एंड लास्टली इट इज यहाँ मल्टीप्लिकेटिव है वहाँ एडिटिव है, तो ये सब आपको देखना पड़ेगा एग्जाम आपका वहाँ पे सॉल्यूशन मांग रहे हैं। तो ये जब इनको कंपेयर करें तो एक्सपोनेंशियल के बारे में सोचिए, और इनमें तो बात की थी हमने यू नो क्या क्या था, एक्सपोनेंशियल था, लॉग था, एक्स पावर के था हा? और के एक्स था, यही सब था। अरे हाँ तो बोलो भाई ये सब किया है आप लोगों ने। अब जरा यहाँ आ जाइए, जब कभी भी ये चीजें हो ये नोटिस करिए, डिवाइड शिवाइड करो भैया तभी तो जाके कुछ होगा। वेट वेट वेट, इधर तो डिवाइड कर देंगे आप, डिवाइड करने के बाद आप शायद लिमिट लगाने के लिए सोचें, क्योंकि आप सबको पता है ये एक्सप्रेशन अगर आपके सामने प्लेट में रखा हुआ है तो आप इसका क्या कर सकते हैं। अब जैसे ही आप लिमिट लगाओगे लिमिट एक्स टेंस टू सी तो ये क्या बन जाएगा डेरिवेटिव, जैसे ही आप यहाँ एक्स माइनस वाई से डिवाइड करेंगे मॉड में है आप ये भी कर सकते हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं तो करने के लिए क्या ये डेरिवेटिव की तरह नहीं बन जाएगा, तो बोलो भाई डेफिनेटली बनेगा। वेट वेट वेट, तो ये तो समझ में आ गया आपको कि डिवाइड आज नहीं तो कल आपको डिवाइड तो करना ही है। अब ये देखो कि डिवाइड करने से इसका तो काम हो जाएगा लेकिन वो फंस जाएगा साइन है। अब लिमिट लगाओगे अगर आप एक्स अप्रोचेस वाई, इधर लिमिट लगाएंगे तो उधर भी लगाएंगे, अगर आप लिमिट लगाएंगे एज एक्स अप्रोचेस वाई या वाई अप्रोचेस एक्स तो ये एंगल कहाँ जाएगा भैया जीरो। तो आ गई आपको ट्वेल्थ क्लास की याद, व्हाट इज लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बाय एक्स, फरमाइए। अरे बोलो बाबा, एक तो एंगल आपका मैच करना चाहिए पहली बात, एंगल शुड मैच एंड एंगल शुड गो टू जीरो, सो इक्विवेलेंटली व्हाट इज लिमिट पी टेंस टू जीरो साइन पी बाय पी, दिस इज ऑल्सो जीरो। अच्छा अगर यहाँ पे एक्स के प्लेस में देखते रहो इधर x के प्लेस में x square होता तो आप थोड़े ना होगा, मैच करना चाहिए ना इसको, तो क्या करना पड़ेगा आपको पहले यहाँ x से मल्टीप्लाई और फिर डिवाइड है ना, तभी होगा काम। क्या क्या करें यहाँ पे अगर आप ही बताओ जरा, लिमिट x टेंस टू जीरो और आपको दिख रहा है आप सबको दिख रहा है क्या दिख रहा है कि हमें x माइनस वाई से डिवाइड करना ही है, अगर आप x माइनस वाई से वहां डिवाइड करेंगे तो x माइनस वाई से यहाँ पे डिवाइड करेंगे, स्क्वायर से कर लो ना यार उसका भी काम हो जाएगा उसका भी हो जाएगा, समझ गए। बस क्वेश्चन बोल देता है आपको, अगर ध्यान लगाएंगे थोड़ी देर क्वेश्चन अपने आप बोलेगा। सो पहला काम क्या करेंगे आप सब लोग, बोल नहीं रहे हैं, डिवाइड द होल एक्सप्रेशन बाय बोलो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये
सॉल्व है, पहले काम आपने ये करना है, उसके बाद लिमिट थोड़ी देर के बाद लगा लीजिएगा। साथ है ये y टेंस टू x, x टेंस टू y, एनीथिंग, क्या मैटर करता है। अरे साथ हो भाई, ये इसके साथ लेके जाओ। तो ये बन गया आपका एफ एक्स माइनस एफ वाई डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। एंड जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं कौन है जो बोल रहा है, ये सॉल्व ऑफ यू। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड बताइए कितना है, सॉरी राइट हैंड साइड, राइट है ना वो, राइट है, राइट हैंड साइड का वैल्यू बताओ। वन, दिस इज वन, सो दिस एक्सप्रेशन इज वन। बढ़िया, अब इधर आ जाइए जी। ये एफ एक्स माइनस एफ वाई डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई होना चाहिए था, और यहाँ से भी वन बाय एक्स माइनस वाई बचेगा। तो यू नो नेक्स्ट लाइन में लिख देता हूँ, क्या आप लोगों को ये स्टेप समझ में आ गया, या एक एक स्टेप और लिखवाओगे? समझ गए ना क्या किया है? ओके नाउ हाँ जी, अब यस, ये किसका डेरिवेटिव है? देखिए मॉड्यूलस में है अंदर, आप चाहे एफ एक्स माइनस एफ वाई बाई एक्स माइनस वाई लिखिए, या कल बताया था एफ वाई माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई वाई माइनस एक्स, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। तो राइट नाउ दिस इज डेरिवेटिव ऑफ वाई टेंस टू एक्स, एफ डेरिवेटिव एक्स। अगर आप एक्स अप्रोचेस वाई करते एफ डेरिवेटिव वाई हो जाता, तो चिंता की बात नहीं है, घबराइए नहीं। ये वाला साइड कितना आएगा? जीरो। सो देयरफॉर यस, उधर से बन गया आपका एफ डेरिवेटिव एक्स माइनस वन इज लेस देन इक्वल जीरो, बट मॉड्यूलस हमेशा कैसा रहता है? सो मॉड्यूलस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल जीरो। क्या मिलेगा भैया वहां से? मॉड्यूलस इज जीरो। मॉड्यूलस इज जीरो का मतलब एलिमेंट इज जीरो। हाँ जी, एलिमेंट इज जीरो का मतलब डेरिवेटिव वन के बराबर आ गया। किसका डेरिवेटिव वन होता है? अरे बाबा, किसका डेरिवेटिव वन होता है, आपका या हमारा? सो दिस इज ऑफ द टाइप एक्स प्लस अल्फा, बस क्वेश्चन खत्म। ये अल्फा कहाँ से आएगा? यहाँ से करिए पूरा, एक बार अल्फा आ गया तो उसके बाद इंटीग्रल निकाल लीजिएगा। प्लीज डू इट फुली, हिंट क्वेश्चन में होता है, स्ट्रेट अवे क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा। पिछला क्वेश्चन भी देखा था ना, स्ट्रेट अवे क्यों आएगा भाई? यस स्टूडेंट्स, डन। कितना आंसर है भाई, कितने लोगों का है माइनस हाफ? ऑनलाइन वाले तो नोट नोट करने में लगे हुए हैं। हाउ मेनी ऑफ यू हैव माइनस हाफ एज योर आंसर? निहारिका, रिदम, वानिया, विमल, कीर्ति, विशु, यशिका। अरे यस सर, माइनस वन बाय टू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ये तो देखते ही कर देना, नजरों से ही कर देना इसको। क्या हुआ भाई, प्लस हाफ माइनस हाफ? ओके ये तो भाई नाक का सवाल है, नाक नहीं कटनी चाहिए। सही सुना आपने,
डिफरेंशिएबिलिटी. हाँ जी, तब आपको समझाया था. यहाँ पे देखना पावर में क्या लिखा है. अल्फा, अल्फा इज मोर देन वन. याद आया कुछ? इफ इट इज मोर देन वन तो फंक्शन कैसा होता है? ना सिर्फ डिफरेंशिएबल होता है बल्कि उसका डेरिवेटिव सब जगह जीरो होता है. इतनी इंपॉर्टेंट चीज आपको नहीं पता. और क्या होगा फाइनली जाके? कांस्टेंट होगा. लैम्डा ले लो, के ले लो, के तो दिया ही उसने, सी ले लो, अल्फा ही ले लो. हाँ जी आइए. सो जीरो से दो, जिसने नहीं किया भैया क्लास से चले जाओ, नहीं किया तो आपको कोई काम नहीं है. व्हाट इज अल्फा? 1/3. अब यहाँ इसको ये जो एफ 1/2 किया है भाई, आपका एफ एक्स है 1/3, कांस्टेंट फंक्शन 1/3. तो उसको ऐड करते रहिए, करते रहिए, खूब ऐड 2019 बार ऐड कर दें. सो इट इज एफ ऑफ 1/1 प्लस एफ ऑफ 1/2 प्लस एफ ऑफ 1/ अब भाई कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है तो ये सभी पॉइंट्स पे सेम ही तो वैल्यू लेगा. सो 1/3 1/3 1/3 हाउ मेनी टाइम्स? 2019 टाइम्स 673. एक ऑनलाइन में आंसर आ गया था, एक ऑफलाइन में आंसर आ गया. इससे सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता. दिया हुआ अपने क्वेश्चन पहचानना है. अपने आप हो जाना चाहिए था, ये देखते ही हो जाना चाहिए था. कुछ गड़बड़ है. आप लोगों करना है, करना ठीक से करिए, समझदारी दिखाइए पूरी. आपको पूरा करना ही पड़ेगा. Thank you.
बहुत काम है आपके पास करने के लिए, सोच समझ के कीजिए। करना पड़ेगा भाई पूरा, के क्लैरिटी के साथ करिए प्लीज। आपको पहले भी बोले हैं स्टुपिडिटी थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, आंसर निकालने के चक्कर में ना रहे, क्लैरिटी के साथ चले, लॉजिक के साथ चले, निकल जाएगा। क्या किया आप लोगों ने, पहले इसको करते हैं। देखिए डेरिवेटिव एट जीरो तो निकल ही सकता है, निकाला भी होगा आप लोगों ने। लिमिट लगा लीजिएगा, एक्स एक्स कैंसिल, जब लिमिट लगाएंगे तो वन प्लस एक्स कॉस पाई बाय। व्हाट विल हैपन टू दिस एक्सप्रेशन एज एक्स गोज टू जीरो। हाँ जी, ये तो वन है और ये जीरो और वो बाउंडेड, सो ये पहले वाला करेक्ट है, सबने कर ही लिया होगा। अब ये इंक्रीजिंग और नॉन इंक्रीजिंग में फंसा दिया इन्होंने आप लोगों को। अरे बाबा, जो हाल चाल एग्जैक्टली नहीं करना होता है चीजों को, एग्जैक्टली करके क्या करना है। हम सब इसके अंदर चले गए, ग्राफ भी आपको पता है। क्या आपका दिल नहीं कह रहा कि cos 1 by x भी उसी तरह का काम करे, करेगा। आप ही बता दो ना लिमिट क्या होगा एज x टेंड्स टू जीरो, तो जीरो के आसपास तो zigzag ही हो गए, तो इसमें वही चीज तो प्रेजेंट है। कांट यू सी obviously height of non-monotonicity here and here, तो ये monotonic हो ही नहीं सकता zero के आसपास। so f is not increasing, अरे not increasing छोड़िए, अगर यहाँ not decreasing होता तो भी ठीक था, वो monotonic होगा ही नहीं, ये true है। and obviously this is false, this हो गया question खत्म। इसमें क्या गोल खेला है आप लोगों ने, okay आइए देखिए भाई, जरा ध्यान लगाइए प्लीज, स्टॉप राइटिंग। ये दो फंक्शंस का सम है, प्रोडक्ट में तो लिमिट हो जाता है लेकिन सम में लिमिट कैसे आएगा। मान लीजिए आपके पास ये है, यस कल देखा भी था आपने, दूसरा ये, तो अगर इन दोनों का इंडिविजुअल लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो भी प्रोडक्ट का एग्जिस्ट कर सकते हैं। वो कई बार होता है ना, एक बाउंडेड है दूसरा जीरो पे जा रहा है, तो प्रोडक्ट जीरो पे जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या नहीं का नहीं सम का। देखो मान लो इसको प्रॉब्लम है, इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा एट सम पॉइंट, तो पूरे को प्रॉब्लम ही होगा भाई, प्रॉब्लम तो रहेगा ना, जाएगा थोड़ा ना कहीं, उसको सेपरेट करते हैं। उसमें तीन चीजें हैं, ई पावर मॉड एक्स है, हाँ जी ई पावर में एक्स स्क्वायर है बिल्कुल, और साथ में मॉड में एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो इसको तो किसी भी पॉइंट पे कभी भी परेशानी नहीं होगी, डेरिवेटिव वेरिवेटिव सब दिख ही रहा है, डेरिवेटिव हो जाएगा उसको ई पावर मॉड एक्स। व्हाट इज ई पावर मॉड एक्स, साथ आओ आप सब लोग, ये मैंने बोला आपको साथ आने के लिए, डोंट शो स्टुपिडिटी, साथ आइए। इसको सेपरेट करेंगे आप एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पे और एक्स लेस देन जीरो पे। जल्दी बोलिए क्या क्या आएगा, ई पावर एक्स, यहाँ ये तो कल वाली क्लास आ गई है, कल वाली क्लास, लास्ट क्लास याद है, लुक एट द कंपोनेंट्स, क्या ये दोनों कंपोनेंट्स नाइस फंक्शंस की कैटेगरी में नहीं आते। हाँ बिल्कुल आते, फिर ऐसे डेरिवेटिव लगा दीजिए ना, क्यों इतना पंगा ले रहे हैं। जल्दी बताइए इसका पहला डेरिवेटिव क्या होगा, अगर होगा तो बोलो। ई पावर एक्स यहाँ माइनस ई पावर माइनस एक्स, अगर ये डिफरेंशियबल है जीरो पे, तो जीरो पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट कल कराया तो था। हाँ जी जरा बता दीजिए, व्हाट इज फाइव डेरिवेटिव एट जीरो प्लस में एंड व्हाट इज फाइव डेरिवेटिव एट जीरो माइनस में, एनीबॉडी कैन सी। जब इसमें जीरो डालेंगे तो वन आएगा, डालो तो ये बराबर है, नॉट डिफरेंशियबल, दैट्स इट। सो दिस इज ये पहले वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये पूरा का पूरा पार्ट जीरो पर प्रॉब्लम दे रहा है। सारा पूरा फंक्शन ही फंस गया, ये तो करेक्ट है जी। हाँ जी, ये मॉड कब जीरो होगा, मॉड एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब इधर आ जाओ, बस बस बहुत हो गया, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं, वो कब कब लिख सकते हैं हमने देखते रहिएगा, नहीं तो जरा साथ आइए। आपको पूरा 2D 3D करा दिया,
करा दिया है या नहीं करा? बिल्कुल करा है। तो पहले भैया एक्स स्क्वायर देन एक्स स्क्वायर माइनस वन देन एक्स स्क्वायर माइनस वन का मॉडुलस ग्राफिकली पता लग जाएगा। अब देखते हैं। तो सबसे पहले जरा मेरे साथ आइए, एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनेगा, एग्जैक्ट ग्राफ बनाएंगे हम अभी। एक्स स्क्वायर ऐसे बनता है, बोलो हाँ जी। इसमें एक यूनिट माइनस करना है तो उसके बाद मॉड लगाना है, तो जो भी नीचे जो ऊपर वाला तो ऊपर ही रहेगा, नीचे वाला भी ऊपर पहुंच जाएगा, तो इट विल बी लाइक दिस। आप सबको बात समझ में आ गई? बस अभी करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स स्क्वायर इज लाइक दिस, एक्स स्क्वायर माइनस वन इस तरीके से नीचे चला जाएगा। दिस पॉइंट इज वन एंड दिस पॉइंट इज माइनस वन। ये वो पॉइंट है जहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वन इसको कट कर रहे हैं। जैसे ही मॉड लगाएंगे वैसे क्या होगा, वैसे ही आपकी लाइफ में बाहर आ जाएगी। जैसे ही मॉड लगाओगे वैसे ही आपकी लाइफ में बाहर आ जाएगी। ज्यादा हो गया, ज्यादा बाहर आ गई। हाँ जी, ये पिक्चर देख के बताइए कहाँ शार्प एज दिख रहा है आपको? नहीं होगा ना डिफरेंशिएबल? खूब लगाते रहो, फॉर्मूला लगा लो। किसने मना किया? लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लीजिए। नहीं है डिफरेंशिएबल, वन माइनस वन टू, बस खत्म। ये भी करेक्ट है, और इसको जीरो पे प्रॉब्लम है, उसको वन माइनस वन पे प्रॉब्लम है। उनके अलावा तो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का पॉइंट ढूंढने से, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का पॉइंट ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। तो ये टू क्या 2024 पे पूछते तो भी डिफरेंशियबल ही होता, तो ये भी करेक्ट है। ये अच्छा क्वेश्चन था। सम फंक्शन को कैसे एग्जामिन करना है? इंडिविजुअल देख लीजिए कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, कहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रहे, किन किन का सम हो रहा है वहाँ पे। ये इन दोनों फंक्शंस का सम हो रहा था, पहले को कहाँ प्रॉब्लम है, दूसरे को कहाँ प्रॉब्लम है, तो सम फंक्शन में प्रॉब्लम रहेगी रहेगी।